नमस्कार जी। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का ब्याद की तरह बध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग ना गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंस कर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिख लाओ। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर ब्रज के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण छोड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु फिर वो उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे तुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कस मसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बात ग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कश्यप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ते लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके
ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे पर ध्रुव में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले भय चले। रुद्र भयते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 200 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराए। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो, मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर भाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर चिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। सिरों की बाण देख कर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुष्यों को तान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंस कर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं छुंड की छुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली।
मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय सीता सीता राम, जय जय राम, जय जय राम, जय सीता सीता राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय सीता सीता राम, जय जय राम, जय जय राम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यम राज का दंड हो। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को भ्रम श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देख कर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्भित विभीषण उसको रावण जैसे जग विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। शिव जी जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आँख उठा कर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देख कर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौट कर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कजलगिरी और सुमेरु पर्वत उड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी।
हनुमान जी पर संकट देख कर बानर भालु क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े, वानरों के प्रबल दल को देख कर रावण ने माया प्रकट की। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया, फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने बीच बानर थे उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और बानर सब जहां तहां भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शार्ग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है, अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौट कर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े, जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख कर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ, और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता आहाकार करते हुए भागे, दुष्टों मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर
लात मार कर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह तर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख कर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। या मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानर राज सुग्रीव और दिविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारता है। कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार कर, तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देख कर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर भी पकड़ में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार कर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देख कर रणधीर जामबंद दौड़े। जामबान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामबान ने अपने तल का विध्वंस देख कर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने बीसों हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज रामबाण प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26वां विश्राम। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई।
शत्रु के सिर और भुजाओं की पड़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिचटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला या किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है, मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है। इसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण वर्ग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राण